चाणक्य नीति। युवा के जीवन को बर्बाद कर सकती हैं ये तीन आदतें, तुरंत छोड़ दें। आचार्य चाणक्य के अनुसार युवा समाज और राज्य के निर्माता होते हैं। युवावस्था के दौरान हर व्यक्ति को अपने भविष्य को लेकर सजग रहना चाहिए, साथ ही एक सही रणनीति बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। व्यक्ति को युवावस्था के महत्व को समझना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार हो जाए तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानें व्यक्ति को किन किन आदतों से दूरी बनाए रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जहाँ व्यक्ति को आलस आ जाता है तो फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। आलस सिर्फ आपके समय को बर्बाद करता है। चाणक्य का मानना है कि युवाओं के जीवन में आलस का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। युवाओं को जीवन हमेशा अनुशासन के साथ जीना चाहिए। नशा करने की आदत भी युवाओं के लिए अभिशाप बन चुकी है। नशे के कारण व्यक्ति की केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। इस कारण से उसे आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। नशा व्यक्ति को गलत संगत में ले जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो गलत कामों में फंस जाता है। ऐसे में व्यक्ति अपने वर्तमान को तो बिगाड़ता ही है, साथ ही अपने भविष्य को भी खराब कर देता है। इसलिए व्यक्ति को इस बुरी आदत से हमेशा दूर रहना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि संगत का असर व्यक्ति पर जरूर पड़ता है। गलत संगत की वजह से व्यक्ति की सोच भी गलत हो जाती है। हर व्यक्ति को अपनी संगत को लेकर सजग होना चाहिए। गलत लोग आपको आपके लक्ष्य से भटकाते हैं और आपको जीवन में अंधकार की ओर ले जाते हैं। यदि व्यक्ति गलत लोगों के बीच में बैठेगा तो उसमें भी गलत आदतें जरूर आएंगी। तो आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें।